ऐसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो बताया, लेकिन एक शुरुआती तौर पे अगर देखें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया वापसी का, ये एक जीत है किसानों की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जीत इसको कहा किस इनकी एक आदत होगी सरकार की कि रेट बढ़ाएंगे और फिर कह ले जी कुछ रेट कम कर दे जी, जीत होगी। इसमें सीड बिल लेकर आना चाह रहे हैं, दूध का एक कानून लेकर आना चाह रहे हैं, बिजली का लेकर आना चाह रहे हैं, जमीन ने छीनने का प्लान है। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो बैठ कर बातचीत होगी, ये मामले बातचीत में आएंगे, उससे समाधान होगा। आंदोलन के मामले हैं, आंदोलन है तीन कानून के ऊपर और MSP गारंटी कानून, और उसके बाद में सरकार ने कहा है कि हम एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में देंगे कि हम बातचीत से समाधान करेंगे, वो एफिडेविट भी जाना है। उसके बाद में आगे और जो मसले हैं उस पर बैठ के बातचीत होनी है, उनका समाधान भी निकलना है। जो हमारे जेलों में लोग हैं वे कैसे बाहर आएंगे, करीब 10,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं वे कैसे ख़त्म होंगे। तो एक लीगल राय के साथ में सरकार बैठ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा? आंदोलन कहाँ खत्म हो रहा है अभी, ये किसी ने कहा आंदोलन खत्म हो रहा, आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त मोर्चा है, आज उसकी 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग हो रही है संयुक्त मोर्चे की, और सरकार को कोई अपना पक्ष रखना है वो वहाँ पर बता दे, और जो भी कॉन्फ्रेंस में वे लोग बताएंगे वो पूर्ण रूप से लीगली रूप से हम उस पर काम करेंगे। आप कब और कहाँ होनी है मीटिंग ये आपको? तो संयुक्त मोर्चे की तो आज मीटिंग अपने सिंघू बॉर्डर पे है, जहाँ पहले होती थी वहीं पे ही मीटिंग होगी, और वहाँ से फिर वे अपना फैसला देंगे, सरकार को अपना एक मैसेज दे देंगे वहाँ से। सर देखिए, सवाल वही आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नवंबर के लास्ट महीने, मतलब इस महीने के आखिरी में सेशन शुरू होगा, वहाँ चीज़ें जो संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होंगी, चीज़ों को हटाया जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा जब तक दूसरे मुद्दे नहीं। अगर आप एक बार और अगर उसे क्लियर कर पाए, उस पर थोड़ा प्रकाश देखो डाल पाए। हमारा ये है कि MSP की गारंटी, MSP आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है, उस पर सरकार का क्या रुख है। और हमने तो ये कहा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे उसके, इन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी का दिया था, उसमें कई मुख्यमंत्री थे, और ये कहा था कि MSP लीगल कानून बनना चाहिए देश में, और वो अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। आज अपनी ही रिपोर्ट को ये लागू कर दे, ये हमारा मसला है। कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इस पर रिएक्ट कर रही हैं, अपोजिशन हो या कई जो किसान जो आपके साथ आंदोलन में शामिल थे उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है, कई लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। आंदोलन काफ़ी लंबा चला, 1 साल से ऊपर का समय आंदोलन चला, कई लोग की जान भी गई, उन सबको आप कैसे याद करते हैं, कैसे ये देखते हैं? आंदोलन पूर्ण रूप से जो भी इसका श्रेय जाएगा उन शहीदों को जाएगा, उन शहीद परिवारों को जाएगा, देश की महिलाओं को जाएगा, देश के नौजवानों को जाएगा, देश के मजदूर को जाएगा, किसानों को जाएगा, ये सबको उनको समर्पित है। ये जो भी ये फैसला होगा ये पूर्ण रूप से उनको समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए। थैंक यू सर।